आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे क्लासेस क्लासिक्स जियोग्राफी का 7th चैप्टर हमारा भारत। तो जो हमारा भारत है क्या है, एक बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय, तो पश्चिम अरब सागर, फिर पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, प्रायद्वीपीय पठार प्रायद्वीपीय के तटों पर लहराते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तर मैदान, आसमान, पठारी सतह, तटीय भाग और द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नताओं को दर्शाते हैं। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता है। इन भिन्नताओं में हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपरा को दिखाते हैं। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे। वर्ष 2011 में अब तक भारत की 120 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। जो ये था भारत का सामान्य परिचय कि उत्तर में हिमालय है, तो पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, तो दक्षिण में हिंद महासागर, क्षेत्रफल बताया हुआ है। फिर जो भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार दिया हुआ है। जो भारत में क्या है, मरुस्थल है, मैदान है, पठार है और द्वीप समूह है। फिर यहाँ की जलवायु, वनस्पति है, कई प्रकार के संस्कृति भी है। और फिर जो 2011 की जनगणना हुई, तो भारत की आबादी 120 करोड़ से भी अधिक है। यह क्या है, चीन के बाद दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद जो है भारत की स्थिति और विस्तार को बताया गया। जो भारत का भारत है, जो ग्लोब के हिसाब से देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, और फिर IMT रेखाएं भी गुजरती हैं। फिर इसका उत्तर से दक्षिण, फिर कर्क रेखा देश से ही 1/2 उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, दक्षिण से उत्तर की ओर मुख्य भूमि का विस्तार 8 से लेकर 37 और पश्चिम से लेकर पूर्व तक 68 से लेकर 97 यहाँ तक देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि 1 डिग्री देशांतर में कितना, 4 मिनट होता है, तो पश्चिम में गुजरात के अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। और चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना जाता है, क्योंकि इस यामोत्तर भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये भारत का पूरा मैप है। फिर यहाँ पे इसके पड़ोसी राज्यों के नाम बताया गया है कि कौन कौन से देश है। हमने ये देखा था कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, सूर्य 2 घंटे पहले निकलता है, और जो गुजरात है वहाँ पे ये दोनों में 2 घंटे का अंतर होता है। और इसके विस्तार हमने देखा था कि पूर्व उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ये डिग्री ये कितने डिग्री में है स्थित है। यहाँ इसके हमने इसकी लंबाई देखा था कितने से कितने हैं। फिर इसके पड़ोसी राज्य दिया हुआ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। फिर उसके बाद ये इस वाले मैप में बताया जा रहा है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है।
जैसे ये जो पूरी रेखा है, ये कर्क रेखा है, इस रेखा में अगर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो पूरे सूर्य जो है हमारे सिर के सीधे ऊपर दिखाई देता है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजधानी शहर और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बारे में बताया गया है कि ये सब जो सैम्बल है ये सब में जैसे डैश 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 तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, डॉट डॉट है तो राज्य की सीमा है, राजधानी में एक बिंदु है और फिर राष्ट्रीय राजधानी में एक बिंदु करके गोला है। अब इनमें बताया गया इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप जो हैं श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। जो क्या है, श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश। पार्क जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों की इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस मैप के थ्रू हमें नदियों के बारे में बताया गया है कि पर्वत पठार मैदान क्या क्या है, तो ये सब पूरे मैप में पूरा इस चीज़ को बताया गया। और इसे ही हम भौतिक स्वरूप कहते हैं। जैसे यहाँ पे सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो गया। फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, फिर इसकी भी सहायक नदी, फिर यहाँ पे गंगा नदी निकली है, फिर गंगा में यमुना, चंबल, क्या पूरी नदी मिली हुई है। फिर यहाँ से महानदी निकली हुई है छत्तीसगढ़ से, ये विंध्य है, श्रेणी है सतपुड़ा। और यहाँ से तापी नदी निकली है, नर्मदा और तापी नदी जो है, ये पूरी नदियाँ जो होती है पूर्व की ओर गिरती है, केवल नर्मदा और तापी नदियाँ ही पश्चिम की ओर गिरती हैं। फिर यहाँ पे दक्कन का पठार है, गोदावरी नदी है, फिर तटीय क्षेत्र हैं, ये जो किनारे किनारे हैं समुद्र से लगे हुए हैं इन्हें हम तटीय क्षेत्र कहते हैं। तो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 जून 2014 को क्या हुआ, तेलंगाना भारत का एक 29वां राज्य बना था। फिर पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का मुख्य निर्माण भाषाओं के आधार पर हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। फिर भौतिक विभाजन के बारे में बताया गया कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। पर्वत पठार मैदान द्वीप समूह उत्तर में बर्फ से ढका हुआ है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, वृहद, मध्यम, लघु और शिवालिक। ठीक, जो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है, यह मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनके सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से निर्माण होता है। जो भारत जो नदी, अगर उसके किनारे जो शहर बसते हैं या वहाँ पे जो खेती की जाती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाया गया रहता है वो क्या होता है, बहुत उपजाऊ होता है। यही कारण है कि इन मैदानों में अधिक जनसंख्या अधिक। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल है, फिर शुष्क गर्म और रेतीला स्थल है, वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। फिर उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, इनकी जो आकृति वो त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएँ और घाटियाँ स्थित हैं। अरावली है जो सबसे प्राचीन है, विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और तापी नदी बहती है, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली एकमात्र नदी है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाटी, सह्याद्री, पूर्व में पूर्वी घाटी। पश्चिम घाटी का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाटी बीच बीच में टूटा हुआ है, असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के तटीय मैदान हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्व की ओर स्थित है तो पूर्वी हो गया, पश्चिम की ओर स्थित है तो पश्चिमी हो गया। वो अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वर्ष पूर्व
की ओर बहने वाली कई नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सब जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ पे वो अपने डेल्टा का भी निर्माण करती। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नहाने के नदियों के मुहाने पर सुंदरवन का डेल्टा है जो बहुत फेमस है। भारत में तो द्वीप समूह है लक्षद्वीप अरब सागर में, और केरल के तट पर कुछ द्वीप स्थित हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दो लक्ष्य, एक तो लक्षद्वीप जो भारत का मैप है यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर स्थित है। कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, मतलब इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना, किस प्रकार के लोग ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी किससे उत्पन्न होती है, समुद्र तल में भूकंप के कारण। तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।